All right, dear students. We will be discussing about the 4.3 in this particular video, 4.3 of your maths one. Okay, since this is not a digital board, we are writing on the online whiteboard. So, I will try to write as good as possible. Anyways, 4.3. So they're asking, they have given you some ratios. Okay, we have already done the two exercises here. In very question number first, they are given this ratio A upon B is equals to 7 upon 3. Okay, and they're asking you to find this value. The value is 5 plus 3B upon 5A minus 3B. Okay. So guys, first of all, to solve this, there are two different methods. Let me tell you. Okay. The very first easiest method that I will teach you now. See, the ratio is already given to us, right? Now, जो word problem में हम लोग follow करते हैं, what we do in the word problem, we assume a common multiple, right? We always assume a common multiple. जो word problem हम लोग ने 4.1, 4.2 में किया, assume a common multiple k. And get the actual values of A and B. So after doing this, your A will be 7k and your B will be 3k. Correct? Now, हम लोग सबको इतना तो पता है कि A और B के अगर सामने 7/3 लिखा है, correct है? तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि A is equals to 7 and B is equals to 3. ये हर बार उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है? हो सकता है कि A के जगह पे लेट्स से कि 35 हो, है ना, और बी के जगह पे 15 हो. तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया 35/15, करेक्ट है, 7 को मैं मन में रखूंगा या फिर मैं 5 को मन में रखूंगा और मैं बोलूंगा 5 7 जा एंड 5 3 जा, तो इसका वैल्यू भी मुझे क्या मिला, 7/3. करेक्ट है. सो बोलने का मतलब इतना ही है कि ए अपॉन बी के सामने जो रेशियो होता है, दीज आर नॉट इट्स एक्चुअल वैल्यूज. ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है एंड वैल्यू क्या रहेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ कॉमन मल्टीपल के. ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट यहाँ पे कॉमन मल्टीपल के लिया, अब यहाँ पे पुट करो जो एक्सप्रेशन तुम लोग को फाइंड आउट करना है वहां पे पुट करो. दैट्स इट. इट इज एज सिंपल एज लाइक दैट. ओके, 3 × 3 हियर, राइट, अपॉन, सॉरी, अपॉन 5 × 7k - 3 × 3k. ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, इसका आंसर क्या आएगा, 5 7 जा ऑब्वियसली 35k, हियर इट इज 9k. नीचे भी टर्म सेम ही है, खाली ऊपर एडिशन है और नीचे सब्ट्रैक्शन है. ठीक है, नाउ गाइस, हम लोगों ने पॉलीनोमियल वाला चैप्टर किया है, राइट? जैसे कि यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, जैसे 5x - 2x क्या आएगा इसका आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर द लाइक टर्म्स, राइट, सेम वेरिएबल विद सेम पावर, सेम वेरिएबल विद सेम पावर, सो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट देयर कोएफिशिएंट्स पार्ट. सो 5 - 2, द आंसर विल बी 3x. इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, 35 + 9, 9 + 5 दैट इज 14, सो दैट बिकम्स 44k. ओके, एंड उसके नीचे यू कैन से दिस थिंग, 35 - 9 इट इज योर 26k. एंड नाउ द के एंड के विल गेट कैंसिल, विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द रेशियो दैट इज 44/26. एंड यू कैन ऑल्सो लेटर ऑन सिंप्लीफाई दिस थिंग. मतलब एक अगेन हम लोग ऐसा नंबर अज्यूम करेंगे कॉमन मल्टीपल जो कि दोनों को डिवाइड कर पाए. तो मैंने मन में लिया 2 को, ठीक है, 22 2 जा एंड 13 2 जा. इसको और आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है. सो दिस इज द इजिएस्ट मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम. We will assume a common multiple k and we will just put the values. That's it. ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, ठीक है. Let's solve the next numerical.
इसका एक अलग मेथड भी है कि जहाँ पे क्वेश्चन दिया होता है एंड उससे हम लोग पूरा जो फाइंड आउट करना है वो हम लोग डेवलप करते हैं, ठीक है, वो पूरा डेवलप करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग थोड़ा ये स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल से, तो वो मेथड को इंट्रोड्यूस करके मैं ये नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा शुरुआत में इजी वाला मेथड से देखेंगे। सो अगेन सेम थिंग, व्हाट वी विल डू, वी विल अज्यूम अ कॉमन मल्टीपल के, ठीक है, कॉमन मल्टीपल के हम लोग अज्यूम करेंगे। तो उससे क्या मिलेगा भाई, ए इज इक्वल्स टू 7K एंड बी इज इक्वल्स टू 3K, ठीक है, ये दो वैल्यूज ओके मिल गए। अब क्या करना है, कुछ नहीं, खाली ए और बी के जगह पे पुट कर दो, ठीक है। सो लेट मी पुट दिस वैल्यू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक अपॉन सेम चीज ना, टू ए स्क्वायर, खाली माइनस है बस, सब्ट्रैक्शन। सॉल्व करते थोड़ा सा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 7K का स्क्वायर इज व्हाट, 49 ए स्क्वायर। ये स्क्वायर दोनों को अप्लाई होगा ना, 7 को भी अप्लाई होगा और K को भी अप्लाई होगा, 749K² ठीक है। देन प्लस अगेन ये स्क्वायर दोनों को अप्लाई होगा, सो द आंसर विल बी 9K² ठीक है। एंड उसके बाद में अगेन हियर सेम सेम टर्म्स आते हैं, कोई अलग नहीं है, खाली ऊपर एडिशन है और नीचे सब्ट्रैक्शन, दैट्स इट, बाकी कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है आंसर, 49 2 अगर हम लोग करेंगे तो आपको आंसर पता है क्या आता है, 49 2 आंसर आ जाएगा 98K² और यहाँ पे आ जाएगा 3 9 27 K², ठीक है। नीचे कोई अलग चीज नहीं है, वही चीज है, खाली सब्ट्रैक्शन है, तो मैंने उनका सब्ट्रैक्शन लिख दिया, ठीक है। ओके नाउ अगेन आई टोल्ड यू कि दीज आर द लाइक टर्म्स, राइट, लाइक टर्म्स है ये, क्योंकि वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो जो भी कोएफिशिएंट है उसका हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो 98 + 27 करेंगे, आंसर आएगा आपका 125K², ओके, एडिशन करना है बस, 98 एंड 27 का एडिशन करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड 98 एंड 27 का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, 71K², K² कैंसिल, यू विल गेट दिस थिंग 124.71, करेक्ट है। अब ये पता लगा क्या, इसको कुछ सिंपलीफाई वगैरह कर सकते हैं क्या, तो भाई ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो इन दोनों को साथ में डिवाइड कर पाए, इसके लिए वी विल कीप दिस आंसर एज आर फाइनल आंसर। यानी कि आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया गया था, इस एक्सप्रेशन का रेशियो जो है या इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है, वो वैल्यू कितना है बोलो, वो वैल्यू है 125/71, ओके। सो दिस इज व्हाट योर सेकेंड सम, ओके। नाउ गाइस बिफोर गोइंग टू द न्यू फॉर द नेक्स्ट सम्स, हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं, ठीक है, कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, रूल्स फॉर रेशियो ऑपरेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेसिक ऑपरेशन से चालू करता हूँ, दैट इज सपोज तुम लोग को दिया है कि ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है, ये रेशियो का वैल्यू दिया है, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इन्वर्टेंडो रूल कैसे लगाएंगे। तो इन्वर्टेंडो में अपने को सिर्फ क्या करना है, रेशियो को उल्टा कर देना है, मतलब ये इस तरीके से, नाउ योर न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। सो अगर आपका एलएचएस उल्टा हो गया है तो आपका आरएचएस भी क्या हो जाएगा बोलो, उल्टा हो जाएगा ऑब्वियसली, दिस इज द रूल ऑफ योर इन्वर्टेंडो, ठीक है। तो ये एक चीज आप समझ लो। उसके बाद में एक जो दो बेसिक, दो या तीन बेसिक रूल हम लोग बोल सकते हैं, एक है कंपोनेंडो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कंपोनेंडो, ठीक है। तो कंपोनेंडो रूल का मतलब क्या है और कंपोनेंडो रूल लगाना कैसे है, ठीक है। तो कंपोनेंडो में वी आर गोइंग टू, दिस इज योर न्यूमरेटर एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो
तो कंपोनेंट का आप फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है कि न्यूमरेटर विल बी रिप्लेस बाय एडिशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैंने क्या स्टेटमेंट बोला ध्यान से सुनिए, योर न्यूमरेटर द होल न्यूमरेटर विल बी रिप्लेस्ड बाय द एडिशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वेयर द डिनोमिनेटर पार्ट विल रिमेन एज इट इज। तो अपने को क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर पार्ट है ना, न्यूमरेटर पार्ट को रिप्लेस कर देना है बाय एडिशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब इधर आएगा ए प्लस बी, ठीक है, पूरे न्यूमरेटर के जगह पे आ गया इन दोनों का एडिशन, नीचे का पार्ट एज इट इज रहेगा यहाँ पे रहेगा। अभी एलएचएस पे ऑपरेशन किया है, जाहिर सी बात है आरएचएस पे भी वही ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आफ्टर अप्लाइंग द कंपोनेंट रूल यू विल गेट दिस वैल्यू, ओके। सो दिस इज योर कंपोनेंडो। देन देयर इज अनदर रूल कॉल्ड एज अ डिविडेंडो। क्या बोलिए, डिविडेंडो। तो डिविडेंडो रूल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, मैं डिविडेंडो का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। जस्ट जहाँ पे एडिशन था ना उसके जगह पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। एडिशन की जगह पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। मतलब तुम लोग का जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के जगह पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन आएगा। सिंपल बात, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ऊपर लिख दो, बस खत्म। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ऊपर लिख दो, खत्म। डिनोमिनेटर को कोई भी हाथ लगाना नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हियर 7 माइनस 5 अपॉन 5, ठीक है। सो दिस आंसर विल बी ए माइनस बी अपॉन बी, 7 माइनस 5 इज 2 अपॉन 5। सो दिस इज योर डिविडेंडो रूल, ओके। ये आपका कंपोनेंडो है, ये आपका डिविडेंडो है, ठीक है। अब और एक रूल है आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये दोनों रूल का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द कंपोनेंडो डिविडेंडो। वो वाला भी देख लेते हैं हम लोग, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ओके। कंबाइंड रूल है, कैसे अप्लाई करना है, सॉरी, इफ दिस इज योर रेशियो, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एन प्लस डी अपॉन एन माइनस डी, एन प्लस डी अपॉन एन माइनस डी। एन मतलब न्यूमरेटर, डी मतलब डिनोमिनेटर। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर इन दोनों का एडिशन आएगा और नीचे उन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा। यहाँ पे 7 प्लस 5 और यहाँ पे आ गया तुम लोग का 7 माइनस 5। सो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट समथिंग लाइक 12 अपॉन 2, ओके। सो यू कैन कीप दिस रेशियो एज इट इज, और यू कैन ऑल्सो 2 1s are 1 एंड 2 6s are 12। So the ratio will be a plus b upon a minus b is equals to 6 upon 1. So this is what your componendo dividendo rule. All right. And there is another rule I would really like to explain. That is your alternando. Okay. Alternando rule. So while explaining the alternando rule, let me take this kind of example. These are the two equal ratios. These are the two equal ratios. So basically, alternando means what? You can interchange their numerator and denominator. The answer will be A upon C and B upon D. So basically, you can exchange the numerator एंड द डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ द बोथ द फ्रैक्शंस, ठीक है। ये सी वाला इधर आ जाएगा, बी वाला उधर जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से वी कैन डू, या तो दूसरा भी कर सकते हैं, अगर दूसरे तरीके से मैं बोलने चाहूँ, ठीक है। तो दिस इज योर ए बाई बी सी अपॉन डी, यू कैन इंटरचेंज दिस थिंग ऑल्सो, करेक्ट है। तो यहाँ पे ऊपर जाएगा डी अपॉन बी और यहाँ पे आएगा सी अपॉन ए, ठीक है। सो दिस इज योर अल्टरनेटो रूल, ये भी अपने को आगे के न्यूमेरिकल्स में लगने वाला है। सो प्लीज कीप दिस थिंग ऑल्सो विथ यू। ओके।
Now, in the next sum, let's see what they have given to us. Just hold on. Let me see that first. Okay. So now this value is with us A is upon B. We are in the same question number one. So obviously, again, we will assume a common multiple K. Then this is your 3K. And what you can do is you can directly put into this formula. Okay. But you see, अभी तो तुम लोग को वो वाला मेथड तो समझ गया कि कैसे करना है. ए और बी का वैल्यूज निकाल देना है, ठीक है, और डायरेक्टली वहां पे पुट कर देना है, बराबर ना. लेकिन मैं थोड़ा सा एक अलग मेथड दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ स्कूल में वो मेथड भी सिखाते हैं, ठीक है. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो मेन क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ट्राई टू डेवलप योर क्वेश्चन फ्रॉम गिवन. मतलब जो कि तुम लोग को, जो भी तुम लोग को गिवन दिया है ना, राइट, तो उस गिवन का इस्तेमाल करके. अभी ये पार्ट गिवन है, ए अपॉन बी इक्वल टू 7/3, तो इसमें से अपने को ये बनाना है, ठीक है. इस गिवन में से अपने को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप देखोगे तो वेरी फर्स्ट स्टेप होता है पावर का. आप चीज याद रखिए, ये वेरी फर्स्ट स्टेप होता है पावर का, और फिर पार्ट होता है ऑपरेशन का. पावर एंड देन ऑपरेशन, ये आप सिक्वेंस याद रखिए, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे पावर कौन सा लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है. ए के ऊपर भी क्यूब है और बी के ऊपर भी क्यूब है. तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला पार्ट क्या करेंगे हम लोग, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड. आई एम टीचिंग यू दिस सेकेंड मेथड, ओके, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है. तो यहाँ पे सेकेंड मेथड के लिए हम लोग को ये नहीं लगेगा, ठीक है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड. तो इसका क्यूब कर दो, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, और ये इसका भी ऑब्वियसली RHS पे भी आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है. तो इससे आंसर क्या आने वाला है, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब इज इक्वल्स टू आपका जो 7 का क्यूब है, दैट इज योर 343, एंड जो 3 का क्यूब है दैट इज योर 27, ठीक है. ये दूसरे मेथड से हम लोग देख रहे हैं, ओके. अब देखिए, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब तो अपने को मिल गया. नाउ हम लोग को ये जनरेट करना है ना. तो अभी जो मैंने रूल आपको सिखाए, इसमें से आप जरा ध्यान से देखिए कि ये जो वो जो एक्सप्रेशन था, राइट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब वाला, तो ऊपर क्या है, ऊपर सब्ट्रैक्शन है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की सब्ट्रैक्शन है. तो उसके लिए हम लोग को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ओनली डिविडेंड रूल, ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग अगर डिविडेंड अप्लाई कर देते हैं तो अपने को मिल जाएगा. तो यहाँ पे आएगा, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू रहा, एंड यू विल राइट हियर बाय अप्लाइंग डिविडेंडो रूल, और वी कैन से बाय डिविडेंडो ऑपरेशन, ठीक है. और ये डिविडेंडो रूल क्या बोलता है, आपको मैंने डिविडेंड रूल का फॉर्मूला भी बताया है, क्या है, एन माइनस डी अपॉन डी, यानी कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. तो चलिए करते हैं अप्लाई. ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. सेम चीज उधर भी हो जाएगा, 343 माइनस 27 अपॉन 27, करेक्ट है. तो ये आंसर आ जाएगा आपका 316, ओके, अपॉन 27, करेक्ट है. सो दिस इज प्रोबेबली योर फाइनल आंसर, बिकॉज ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ओके. तो ये जो मैंने अभी, तो हो गया ना, ये वैल्यू मिल गया अपने को रेशियो का, दैट इज 316/27. तो ये जो मैंने बताया, मैंने आपको बताया ये सेकेंड मेथड से. यहाँ पे हम लोग ने कोई भी के वगैरह यूज किया हुआ नहीं है, सिर्फ ये दो स्टेप जो है, आप इन दो स्टेप को देख लो ध्यान से, ये दो स्टेप आपको काम में आएंगे. कौन से दो स्टेप, फर्स्ट यू नीड टू चेक कि विच पावर इज टू अप्लाई. अगर मान लो वहां पे पावर वगैरह कुछ नहीं होती तो हम लोग पावर वाला स्टेप करते ही नहीं. अभी वहां पे पावर दिख रहा है, इसके लिए अपने को क्यूब चढ़ाना पड़ा, स्क्वायर दिखेगा तो स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा. लेकिन अगर पावर ही नहीं होगी तो वी विल नॉट डू दैट पावर वाला स्टेप, ओके. एंड उसके बाद में हम लोग ऑपरेशन वाला स्टेप करेंगे. अपने को देखना पड़ेगा कि जो फाइंड आउट करना है वो कौन से रूल में बैठ रहा है, उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है.
तो इस कारण मैं क्या करता हूँ कि वही फॉर्मेट में एक बार फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है? तो सही हो जाएगा। मैंने बताया था इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो तो आपको पता है, इनवर्टेंडो में क्या हो जाता है कि आपका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपका उल्टा हो जाता है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपके पास, यू कैन रिवाइंड दैट वीडियो, ठीक है? इनवर्टेंडो मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है? फिर हम लोगों ने पढ़ा कंपोनेंडो, फिर हम लोगों ने पढ़ा डिविडेंडो। कंपोनेंडो का फॉर्मूला क्या है? एन प्लस डी अपॉन डी। डिविडेंडो का फॉर्मूला क्या है? एन माइनस डी अपॉन डी अपॉन डी, ठीक है? एंड उसके बाद में कॉम्बिनेशन जो है, दैट इज योर कंपोनेंडो डिविडेंडो, उसका फॉर्मूला क्या है भाई? एन प्लस डी अपॉन एन माइनस डी, ठीक है? तो इस तरीके से ये चीजें याद रखो। अब जो नेक्स्ट चीज हम लोग को फाइंड आउट करनी है उसके ऊपर भी देखते हैं। नाउ दिस इज योर, एक सेकंड इसको डिलीट कर देता हूँ। चलो नाउ आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, फर्स्ट मेथड से करोगे तो भी चलेगा, सेकंड मेथड से करोगे तो भी चलेगा। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे, सिंस द रेशियो इज गिवन ना, आपको रेशियो ऑलरेडी देके रखा है, बराबर है ना? तो सिंपल वाला मेथड यूज करो ना, मार्क्स अपने अश्योर करो, आगे जाओ, मार्क्स अश्योर करके आगे जाओ, सिंपल वाला मेथड यूज करो और आगे जाओ। ऑब्वियसली आपके जो जो स्कूल से वहाँ पे ये मेथड दिखाओ, ये मेथड अगर वैलिड है, अगर अदरवाइज वो लोग बोलते हैं कि नहीं सेकंड मेथड से करना पड़ेगा, तो आपको सेकंड मेथड से ये चीज़ें को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो आई थिंक फर्स्ट मेथड तो सबको अभी आएगा, मैं चाहिए तो फर्स्ट वाला मेथड भी बता देता हूँ फिर से एक बार। कॉमन मल्टीपल को हम लोग, कॉमन मल्टीपल अपना के रहेगा, उसके बाद में ए का वैल्यू हो जाएगा 7K एंड बी का वैल्यू हो जाएगा 3K, करेक्ट है? अब उन्होंने जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो है 7A+9B अपॉन 7A-9B, करेक्ट है? तो यदि आपके पास ए और बी के वैल्यूज हो तो बाय फर्स्ट मेथड आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना है, बस, और कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। लेकिन अगर यही सम आप बोले कि नहीं सर सेकेंड मेथड से ही सिखाओ, स्कूल में बोला है कि सेकेंड मेथड ही करना है, तो सेकेंड मेथड आपको पता है क्या करना होता है। वी विल ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन पार्ट इनटू द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन मतलब जो अपने को टू फाइंड है आपका, जो आपको प्रूव करना है, जो आपको फाइंड आउट करना है वो चीज, ठीक है? अब पहले वाले सम में मैंने बताया था कि यार पहले पावर देखो, करेक्ट है? पावर चीज देखो, अलग अलग चीजें हैं, मैं बताता हूँ आपको कौन सी चीजें हैं। उसमें पावर का एक फैक्टर है, उसमें और एक फैक्टर अभी आ जाएगा, वो है कोएफिशिएंट का फैक्टर। इसका फैक्टर कोएफिशिएंट का, ठीक है? और उसके बाद में फिर आ जाएगा आपका रूल वाला फैक्टर, पावर कोएफिशिएंट टाइम रूल, ठीक है? तो ये आपको पता चलेगा अभी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सी हम लोग को ये चीज फाइंड आउट करना है, राइट? 7A+9B अपॉन 7A-9B। तो आप सबसे पहले देखिए कि ए के आगे 7 लगा हुआ है, बराबर ना? और बी के आगे 9 लगा हुआ है, मतलब ए और बी को कुछ कोएफिशिएंट्स बहाल किए हुए हैं इन्होंने, ए एंड बी को कुछ कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो वो हम लोग को भी देना बनता है। पावर की कोई चिंता नहीं है क्योंकि पावर यहाँ पे 1 है। पावर क्या है बोलो? 1 है, ठीक है? तो पावर वाला स्टेप हम लोग यहाँ पे करेंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे कोएफिशिएंट दिख रहा है, तो ए के आगे 7 लगाना पड़ेगा, बी के आगे 9 लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इन शॉर्ट क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 7/9, ठीक है? अगर मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा बोलो? आंसर आएगा 7A-7A/9B। तो हम लोग इससे मैच कर जाएंगे 7A/9B। तो अपने को सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, कोएफिशिएंट लगाने का स्टेप किया, करेक्ट है? नाउ यहाँ पे वो स्टेप आएगा कि मल्टीप्लाई बोथ साइड, ऑब्वियसली ये इक्वेशन है ना, तो जो भी ऑपरेशन करेंगे वो दोनों जगह पे करना है अपने को, ठीक है? तो इधर भी करेंगे और आरएचएस में भी करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 7/9 × 7/3,
इसका आंसर आ जाएगा 7a/9b और इसका आंसर आ जाएगा 49। सही बात है, 49/27। ठीक है, अब आप देखो कि अपना कोएफिशिएंट तो लगा के हो गया ना, अब देखो आपकी रूल कौन सा अप्लाई करें। तो ये जो सम का ओवरऑल पैटर्न है, इस ओवरऑल पैटर्न को मैं देख पा रहा हूँ, बराबर है। और इस ओवरऑल पैटर्न को देख के क्या लग रहा है मुझे, ऊपर एडिशन है और नीचे सब्ट्रैक्शन है। तो ऐसा एकमात्र रूल अपने को करने की इजाजत देता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन रूल। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या बोलो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों रूल साथ में लगाना है। तो लगाना कैसे रूल, सिंपल बात है बड़ी। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मैंने फॉर्मूला आपको लिख के दिया है, क्या फॉर्मूला, n+d/n-d, n+d/n-d। तो ऊपर दोनों का एडिशन कर दो 7a+9b, और नीचे दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो 7a-9b। जो चीज हम लोग ने LHS पे की है वही चीज हम लोग RHS में करेंगे, 49+27, एंड नीचे आएगा आपका 49-27। ठीक है, तो बस हो गया, हम लोग को जो फाइंड आउट करना था वहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बस उसके सामने का जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे सॉल्व करेंगे, और उसे सॉल्व करने के बाद वी विल गेट द आंसर 76/22। देखो अगर ये कुछ डिवाइड वगैरह होता है तो 2 को मन में पकड़ो, और 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज 38, एंड हियर द आंसर एज 11। अब भाई इसके आगे तो और कुछ सिंप्लीफाई होने का चांसेस नहीं है, सो इसका ये वैल्यू हो गया 38/11। ओके, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, अच्छे तरीके से देखिए हम लोग ने सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व किया हुआ है। हाँ गाइज, अभी ये जो है दिस इज योर गिवन पार्ट, ओके, और उसमें से अपने को अलग अलग वैल्यूज निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो वैल्यू निकालना है अपने को वो बेसिक रेशियो निकालना है। मतलब देखो अभी उल्टा दिया है ना, ये उल्टा दिया है, पहले क्या होता था, ये बेसिक रेशियो दिया हुआ होता था और इसको हम लोग फर्स्ट मेथड से या सेकंड मेथड से सॉल्व करते थे और ये सब चीज़ें को एडजस्ट करते थे वहाँ पे और वैल्यू निकाल के लेके आते थे। अभी क्या दिया, अभी उल्टा दिया है, दिस इज गिवन टू यू एंड यू नीड टू फाइंड द बेसिक रेशियो। ओके, तो एक सिंपल सा मैं एक लॉजिक बताता हूँ गाइस। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे वाले सम्स में जहाँ पे उल्टा चीज़ है, ऑब्जर्व ऑब्जर्व द गिवन पार्ट, ऑब्जर्व द गिवन पार्ट, ठीक है, एंड ट्राई टू फाइंड विच रूल दे हैव यूज्ड, विच रूल दे हैव यूज्ड। ठीक है, मतलब उन्होंने कौन सा रूल लगाया है, ऐसा आपको लगा, आपको क्या लगता है, ऊपर एडिशन है और नीचे सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब उन्होंने पक्का क्या लगा रहेगा, उन्होंने पक्का क्या लगा रहेगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो यही रूल आपको फिर से लगाना है, अप्लाई द सेम रूल अगेन, अप्लाई द सेम रूल अगेन। ठीक है, तो ये स्टेप आपको बेसिकली यहाँ पे करनी है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि अरे यार क्या लग रहा है कि ये क्या, कौन सा रूल अप्लाई किया होगा, कंपोनेंडो कि डिविडेंडो कि कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, और आपको जो लगे अरे हाँ चलो सर यहाँ पे ना कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया हुआ है, तो मैंने क्या बोला, अप्लाई द सेम रूल अगेन, अप्लाई द सेम रूल अगेन। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटा न्यूमरेटर है और ये आपका क्या है बोलो, डिनोमिनेटर है, और यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आएगा बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो ऊपर क्या करेंगे पता है ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्मूला क्या होता है, कितने बार लिखा मैंने, n+d/n-d। तो ये आपका पूरा न्यूमरेटर है और ये आपका पूरा डिनोमिनेटर है। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर ऐसे बोलेंगे,
इंडिविजुअल टर्म्स मत बोलो, ऐसे बोलो कि न्यूमरेटर, तो ये पूरा दोनों भी टर्म्स उसमें आ जाएगा ना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है। एंड नीचे नीचे क्या क्या बोलो, सेम न्यूमरेटर ऐसे ही बोलना है अपने को, माइनस द डिनोमिनेटर। बट देखो डिनोमिनेटर में दो टर्म्स है ना, उसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, साइन चेंज वगैरह हो सकता है ना। इसे यहाँ पे क्या आएगा, 47 + 7, 47 - 7, ठीक है। अब इसको देखो मैं अगर सॉल्व करूँ तो यहाँ पे ये +4b² अगर ये -4b² क्या हो जाएगा, कैंसिल, सेम टर्म विद डिफरेंट साइन। यहाँ पे 15 और 15 क्या हो जाएंगे बोलो, 30a², ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर पार्ट तो अपना सॉल्व करके हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, ओपन ये ब्रैकेट्स का मान, 15a² प्लस 4b² माइनस प्लस माइनस, 15a² माइनस माइनस प्लस 4b², इसको क्या आएगा आंसर, 54/40, ठीक है। चलो एंड यहाँ पे देखो अभी क्या कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस 50, ये 15 है, प्लस 15² एंड -15² कैंसिल हो जाएगा। व्हाट एल्स यू विल गेट, 4 + 4, आंसर में क्या मिलेगा, आंसर में मिलेगा अपने को 8b². थोड़ा सा हम लोग आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, ठीक है। ये आप वैल्यू याद रखिएगा, मैं लिखता हूँ आपके लिए, वैल्यू है 30a² / 8b² इज इक्वल्स टू, दिस इज योर 27/20, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना, वो सॉल्व करने के बाद आया है वैल्यू, ठीक है। ये तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, 54/40, यहाँ पे सिंपली हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को मन में पकड़ के, ठीक है। चलिए कैंसिल कर देते हैं, 27 और नीचे आएगा 20, ठीक है। ना अपने को ए और बी का वैल्यू चाहिए ना, मतलब ए अपॉन बी का, तो ये जो वैल्यूज है वो वहां पे डाल दो, तो कैसे आएगा, a² / b², 27/20, जो डिनोमिनेटर में वो नीचे वो ऊपर जाएगा और ऊपर है वो नीचे आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा हल्का हल्का हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, a² / b² इज इक्वल्स टू, चेंज द कलर। एक तो देखो यहाँ पे ये 37 एंड 30 डिवाइड हो सकता है, किससे, 3 से हो सकता है, 3 9 3 10, करेक्ट है। उसके बाद में ये देखो 8 और 20 भी डिवाइड हो सकते हैं, कैसे, 4 को मन में पकड़ो, 4 5 सॉरी यहाँ पे आएगा 4 2 एंड 4 5, ठीक है। एंड देन लास्टली ये 2 और 5 कैंसिल हो सकता है ना, 2 1 2 5। अब वीडियो प्लीज रिवाइंड करके देख लीजिए क्या कैंसिलेशन किया है। यहाँ पे आपको ऊपर देखो कोई बचा नहीं है, अभी ऊपर कोई बचा नहीं है तो ऊपर 9 आएगा, और नीचे बचा है ये 5 और ये 5, तो 5 5 का कितना आ जाएगा, 25। और अपने को सिर्फ ए और बी चाहिए ना, स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा आंसर, टेकिंग स्क्वायर
ये आएगा आंसर, दोनों को रूट लग जाएगा ना, तो ये आएगा ए अपॉन बी, और ये भी दोनों को रूट लग जाएगा, तो आंसर क्या आएगा देखो, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 3/5। ये मिला आपको ऐसे बेसिक रेशियो। ओके अभी मेरा सजेशन क्या रहेगा, अगर आपको ये बेसिक रेशियो मिल गया ना, उनके आगे के कुछ सम्स जो है क्वेश्चन नंबर, बेसिक लेवल क्वेश्चन नंबर, ये जो आगे के सम्स है कि फाइंड फाइंड 7a - 3b अपॉन 7a + 3b, तो इसमें आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं। कौन सा? फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड यूज करके आप ट्राई कीजिए, तो उसमें ए का वैल्यू आएगा 3k एंड बी का वैल्यू आएगा 5k। मोस्ट ऑफ मेरे ख्याल से स्कूल में ये फर्स्ट फर्स्ट मेथड अप्लाई हो ही जाना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट दिस वैल्यूज ऑल्सो, दिस अदर वैल्यूज ऑल्सो, राइट, बी स्क्वेयर अपॉन 2a2। मेन चीज क्या चीज था, जो अपना बेसिक रेशियो है, जो अपना फंडामेंटल बेसिक रेशियो है, वो फाइंड आउट करना मेन चीज था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया रिवर्स ऑपरेशन लगा के। रिवर्स मतलब पहले ऑब्जर्व किया, देखा कि कौन सा रूल लगा दिया, और बाद में वही रूल हम लोगों ने लगा दिया टू गेट द बेसिक रेशियो, टू गेट द बेसिक रेशियो। ठीक है, वैसे ये वाला भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, और उसके आगे वाला भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बाय द फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड काफी इजी है। ठीक है, गो फॉर दिस पर्टिकुलर सम, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है देखो, बहुत सही समय, ये आईएमपी समय, तो गिवन आपके सामने है और जो फाइंड आउट करना है वो भी आपके सामने है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्व करना चाहूंगा बाय सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले ये जो गिवन है ना, बराबर है, ये जो गिवन है, इस गिवन से आप निकालिए बेसिक रेशियो, जो भी आपका गिवन है उस गिवन से आप निकालने का कोशिश कीजिए बेसिक रेशियो। ठीक है, बेसिक लेट्स ट्राई टू फाइंड द बेसिक रेशियो, एंड ये प्रोसीजर हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, राइट। ये बेसिक रेशियो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने उसका स्टेप भी लिखा है, आप जाके देख सकते हो वहां पे, मैं ओरली फिर से बता देता हूँ कि आप ना नॉर्मली सम को ऑब्जर्व करो, और क्या लगता है आपको कि यहाँ पे ना किसी ने तो कंपोनेंट और डिविडेंड और रूल लगा के छोड़ दिया है, राइट, किसी ने तो ऑलरेडी यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड और रूल लगा के छोड़ दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही ऑपरेशन फिर से रिपीट करेंगे। करेक्ट है, जो ऑपरेशन ऑब्जर्व कर पा रहे हो वही ऑपरेशन फिर से रिपीट कर दो। सो बाय अप्लाइंग द कंपोनेंट और डिविडेंड और रूल, और आपको उसका फॉर्मूला तो मैंने कितने बार लिखा है, n+d/n-d, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज एंटायरली योर न्यूमरेटर पार्ट एंड दिस एंटायरली इज योर डिनोमिनेटर पार्ट। करेक्ट है, सो हियर इट इज लाइक 3a+7b+3a-7b। करेक्ट है, एंड नीचे आपका सब्ट्रैक्शन रहेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, सो 3a+7b, एंड जबकि ये सब्ट्रैक्शन है तो आपको पता है कि साइन चेंज होने वाले हैं, इसके लिए आप जानबूझ के जो सेकेंड टर्म है डिनोमिनेटर पार्ट है उसको यू विल राइट इन द ब्रैकेट। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व, एंड सेम जैसे एलएचएस पे किया है तो ऑब्वियसली आपको आरएचएस पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, देखो मैं पहले ना डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेता हूँ, फिर जो भी कैंसिलेशन वैंसिलेशन जो पार्ट है वो हम लोग साथ में कर लेते हैं। ठीक है ना, 3a+7b+3a-7b, एंड यहाँ पे देखिए साइन चेंज हो जाएगा, तो कैसे आएगा ये 3a+7b-+ करेक्ट है, ये आंसर आएगा आपका 7/1। हाँ अभी आप कर दीजिए जरा, अभी आप क्या कर सकते हैं, कैंसिलेशन वाला पार्ट हम लोग कर सकते हैं, सो हियर 7b and -7b कैंसल, 3a and -3a कैंसल। अब यहाँ पे 3+3 तो ये आ जाएगा आपका 6a, एंड यह 7+7 ये आ जाएगा आपका 14b। ठीक है, और आपका ये 7/1 तो है। अभी आप क्या करो,
एंड यहाँ पे पार्ट दिखा देता हूँ। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, 6a/14b इज इक्वल टू 7/1। तो ये पूरा वैल्यू उधर डाल दो, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, करेक्ट है। सो 7 × 14/, यहाँ पे आएगा आपका 6, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा देखिए, ध्यान से देखिएगा। ओके, सो द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग हियर इज 49। ओके, सिंपल आप थोड़ा सा हल्का सा क्या कर लीजिए, यहाँ पे टू टू से डिवाइड कर लीजिए, 2 3 जा एंड 2 7 जा, करेक्ट है। तो 7 7 जा 49/3, तो ये आपको बेसिक रेशियो मिल गया, दैट इज a/b इज इक्वल्स टू 49/3। ओके, अब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो ये फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। या तो बाय फर्स्ट मेथड से आप जाओगे तो आपको बहुत सिंपल जाने वाला है, क्या करेंगे पता है ना, या आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यू कैन ट्राई दिस थिंग बाय योर सेल्फ, कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन पोस्ट ऑन आर व्हाट्सएप।